नहीं खाएगी। बंदर होता है वो खाता कम है, उजाड़ता जाता है, बिगाड़ता जाता है, लेकिन गाय पूरे वन को नहीं उजाड़ती है। घास खाती है परंतु पूरी जड़ से नहीं खाती है, और खाने के बाद मीठा दूध देती है। घास खाती है, मीठा दूध देती है, और उसका गोबर भी काम में आता है। आज संसार में, विश्व में, वर्ल्ड में कैंसर होने की संख्या बढ़ चुकी है। कैंसर बढ़ता जा रहा है, जबकि पहले कैंसर बहुत कम था। क्यों? क्योंकि हर घर में गाय होती थी, और गाय का जो गोबर होता है उस गोबर में इस प्रकार की ताकत होती है, जहां धर्म गोबर से लीपा जाता है, दीवारों पर बाहर गोबर पोता जाता है, गोबर लीपा जाता है, वहां कैंसर के जो परमाणु हैं वो वहां पर रिएक्ट नहीं करते हैं, वो निष्क्रिय हो जाते हैं, और वहां का आदमी स्वस्थ होता है। बच्चों की उन्नति के लिए, बच्चों की बौद्धिक विकास के लिए देना है तो गाय का दूध दीजिए, गो दूध दीजिए। देख लीजिए आप, जो बच्चे पढ़ने में टॉप होंगे उन्हें स्वतः गाय का दूध अच्छा लगेगा, पिएंगे, और जो ढा होंगे, ढा से ढक्कन, उनको दूध अच्छा नहीं लगेगा। ये पहचान तुम्हारे बच्चों की, तुम गड़बड़ हो। जो गुड़ बॉय होगा, गुड़ गर्ल होगी, वो गाय का दूध पिए, और जो बैड गर्ल बैड बॉय होंगी वो बैड नहीं पिएंगे। आप लोग क्या लेते हो? बैड टी पीते हो ना? जो चाय पीते हैं वो बैड है, और जो दूध पीते हैं वो गुड़ है। गाय का दूध बुद्धि को बढ़ाने वाला है, गाय का दूध शक्ति को बढ़ाने वाला है, गाय का दूध रोग प्रतिरोधक क्षमता देने वाला है। शिष्य गाय के समान होना चाहिए। आचार्य धर सिंह स्वामी ने शिष्य गाय ऐसे बुलाए कि जो समझदार हो, होशियार हो, बुद्धिमान हो, विवेकवान हो, और जिनवाणी को पढ़ने के बाद उस पर अड़िग हो, दृढ़ हो, ऐसा शिष्य चाहिए। ऐसा नहीं, इसने ये कहा तो वैसा कर दिया, उसने वो कहा तो वैसा कर दिया। एक गांव का व्यक्ति था, भोला राम था, बहुत सरल था, इतना सरल था, इतना सरल था, इतना सरल था कि जो जो कहे वैसा करते, ज्यादा सरल नहीं होना चाहिए। जब एकदम सरल लकड़ी होती है ना, एकदम सरल, वही काट के दी जाती है। उसको बुखार आया, वैद्य के पास में गया, वैद्य ने उसको देखा, दूसरे गांव के अंदर गया था, वैद्य ने देखा, वैद्या भाई ने देखा, वैद्या भाई ने दवाई दी, और दवाई देने के पश्चात कहा कि भाई तुम्हारा पेट गड़बड़ है, इसलिए ज्यादा हैवी मत खाना, भारी मत लेना। बोले फिर क्या लो? तो बोले खिचड़ी खा ले। क्या बताए? खिचड़ी। अब योग संयोग से उसने कभी खिचड़ी खाई नहीं थी, दूसरी परेशानी को उसको याद नहीं होता। पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता, तो याद करता जा रहा था। वैद्या भाई के यहां से निकला, डॉक्टर अनुजा टोंगा पर, अब तो बहुत अच्छा उनका नॉलेज और अच्छा है।
खिचड़ी याद करता जा रहा, खिचड़ी 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 खिचड़ी, और याद करने के चक्कर में गड्ढा आया और गिर पड़ा, खड्डे में गिरा, उठा कि वैद्या भाई ने क्या खाने को बताया था, तो उसके ध्यान में आ गया खाचड़ी 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 खाचड़ी। अब खाचड़ी याद करते जा रहा है, जंगल से निकल रहा है, जंगल में खेत है, खेतों में किसानों की फसल पूरी आ चुकी थी और किसान जो है फसलों की रखवाली कर रहे थे, और जब फसल आ गई तो चिड़िया खाने आ रही थी, चिड़िया खाने आ रही थी और किसान उसको उड़ा रहा था, किसान उड़ा रहा था कि चिड़िया नहीं खा लो और चिड़िया ताक में दिखे में खा लो, और ये निकला खा चिड़ी खा चिड़ी खा चिड़ी खा चिड़ी, चिड़ी ने सुना खाना है तो उसने जाकर खा लिया, और चिड़ी ने जब खाया तो किसान ने दो लगाया, बोले मैं 4 महीने से मेहनत कर रहा, फसल लगा रहा, मैं चिड़िया को उड़ा रहा, तू बोल रहा है खा चिड़ी, ठीक है ऐसा बोल, अब उसने शुरू कर दिया उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी, उड़ चिड़ी को याद करते करते जा रहा था, और आगे जाकर के बहेलिया बैठा था, व्यास पारधी शिकारी, और शिकारी ने छत्ता रखा था, पीछा रखा था कि चिड़िया फंस जावे, ये निकल रहा था, चिड़िया फंसने वाली थी और फंसती, इतने वैसे मुद्दे उड़ चिड़ी, चिड़िया सारी उड़ गई, अब चिड़िया उड़ गई तो शिकारी ने और तो लगा दिया उसको, नालायक बोले मेरा काम बिगाड़ दिया, बोले क्या मैं तो मेरे याद कर रहा था, बोले ऐसा बोलना चाहिए उड़ चिड़ी, बोले क्या बोलो, बोले बोल आते जाओ फंसते जाओ, बिटाते जाओ फंसते जाओ, आते जाओ फंसते जाओ, आते जाओ फंसते जाओ, याद कर जा रहा है। चलते चलते गांव आया, गांव में एक सज्जन व्यक्ति था, और उस सज्जन व्यक्ति को झूठे केस में पुलिस पकड़ने के लिए तैयार थी, सारे गांव वाले उसको बचाना चाहते थे, पुलिस ने पकड़ लिया, गांव वाले साथ में चलते कैसे करके ये छूट जाए, और ये बोलता है आते जाओ फंसते जाओ, आते जाओ फंसते जाओ, आते जाओ फंसते जाओ, जो लड़का था उसके जो जिसको पकड़ा था उसके बट्टे गुस्सा है, उसने दो लगा दिए, बोले मेरे पिताजी को पुलिस पकड़ करके लेके जाएगी, तुम आते जाओ फंसते जाओ, बोले भैया क्या बोलो, बोले बोल ऐसा काम कभी नहीं होना चाहिए, अब उसने याद कर लिया ऐसा काम कभी नहीं होना चाहिए, ऐसा काम कभी नहीं होना चाहिए, ऐसा काम कभी नहीं होना चाहिए, अब ऐसा काम कभी नहीं होना चाहिए करते 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 जा रहा था, और आगे एक गांव के अंदर में छोटा सा शहर लगा, वहां का जो राजकुमार था उस राजकुमार की काफी समय से शादी नहीं हो रही थी, उसको लड़कियां पसंद नहीं आ रही थी, और कुछ गड़बड़ थी, इस लड़कियां कोई आने को तैयार नहीं थी, बड़ी मुश्किल से उसकी शादी हो रही थी, पूरा गांव नाच रहा था, सब खुशी मना रहे थे, बैंड बज रहे थे, मंगलवाद भी हो रहे थे, आनंद ही आनंद हो रहा था, बारात आगे जा रही थी, और वो कह रहा था ऐसा काम कभी नहीं होना चाहिए, ऐसा काम कभी नहीं होना चाहिए, ऐसा काम कभी नहीं होना चाहिए। अब 10-15 लोगों ने मारा उसे, नालायक अपशब्द बोलता है, गलत बोलता है, ऐसा बोलना चाहिए, जम के जब मारा तो बोले भैया मैं क्या करूं क्या बोलूं, बोले बोल ऐसा काम घर घर में होना चाहिए, जैसा जिसने बताया बोले ऐसा काम घर घर में होना चाहिए, ऐसा काम घर घर में होना चाहिए, ऐसा काम घर घर में होना चाहिए, ऐसा काम घर घर में होना चाहिए। आगे जा रहा था, उस गांव में एक अम्मा जी खिचड़ी बना रही थी, चूल्हे पर रखी थी, और अम्मा जी थी बूढ़ी थी, हाथ हिल गया, और जो घी था वो जो चूल्हे
बखेड़ी की वजह से चूल्हे में चढ़ गया, थोड़ी ज्यादा आग लग गई, आग लगी और घास की झोपड़ी थी उसको आग ने पकड़ लिया, वो आग बाजू वाले के चली गई, वो आग और बाजू वाले के चली गई, पूरे घर में आग लग गई, गांव में आग लग गई, लोग बाल्टी लेकर तोड़ रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, सब भाग रहे हैं कि आग बुझ जाए। वो कह रहे ऐसा काम घर घर में होना चाहिए, ऐसा काम घर घर में होना चाहिए। अब सब लोगों ने मिलकर मारा उसको, नालायक बोले आग लगी तो बोलते ऐसा काम घर घर में होना चाहिए। इतना मारा इतना मारा इतना मारा, एक बुढ़िया ने उसको पकड़ा और ले जा करके उसने उसको साइड में रखा और वो याद कर रहा है कि मेरे को वैद्या भाई ने क्या बताया था खाने के लिए। बुढ़िया बोली बेटा क्या हो गया? बोले मैं याद कर रहा हूँ क्या बोला, खिचड़ी बना दी। बोले हाँ वही तो याद कर रहा था, खिचड़ी। ध्यान रखना, जो ऐसे यहां वहां की सुनकर के जैसा जिसने होता वैसे चलेंगे तो ऐसे ही मार पड़ेगी। उसको तो दो चार की मार पड़ी थी, परंतु हम यदि अपनी जिनवाणी को छोड़ करके, अपने शास्त्र को छोड़ करके, अपनी परंपराओं को छोड़ करके, अपनी आमनाएं को छोड़ करके, इसने बताया ऐसा किया, उसने बताया वैसा किया, तो कर्मों की ऐसी मार पड़ेगी कि हम कहीं नहीं बच पाएंगे।